हाय गाइस, आई वेलकम यू टू माय ट्यूब चैनल इस्क इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 13 वर्च्यू पेस के क्वेश्चन आंसर, क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध प्रश्न, यानी जो आपने पाठ पढ़ा है और जो समझा है, समझने के आधार पर आपको बताना है। दीज यानी या इन क्वेश्चन, यानी प्रश्न, आंसर यानी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिसमें क्लास फर्स्ट से लगा कर 12 तक के आपको क्वेश्चन आंसर के साथ बुक वर्क, मेज दो कॉलम, सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ ही ग्रामर भी। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड युधिष्ठिर सेज टू नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा। से यानी होता है कहना, टू यानी नकुल से, है ना, व्हाट यानी क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है। युधिष्ठिर सेज टू नकुल टू क्लाइम द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट इफ देयर इज ए वाटर। नकुल से जो है युधिष्ठिर ने कहा था कि पेड़ पर चढ़ो और देखो कि कहीं पर पानी है क्या, है ना। युधिष्ठिर सेड टू नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल से कहा टू क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ो, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, एंड और देखो ऑल ओवर, ऑल ओवर यानी सभी जगह, और सभी जगह देखो द फॉरेस्ट इफ देयर इज वाटर, कहीं कहीं फॉरेस्ट यानी जंगल में पानी है क्या। फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, इफ यानी यदि। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से, जो कुंड से, तालाब से जो आवाज़ आई थी उसने क्या कहा। तो उसने यूँ कहा था कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए बिना कोई भी इस कुंड का जो है तालाब का पानी नहीं पी सकता, यदि वह पिएगा तो वहीं पर तुरंत ही मर जाएगा। द स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड एंड सेड, जो स्ट्रॉन्ग यानी तेज आवाज़ आई और उसने कहा, है ना, चिल्लाने, क्राइड यानी चिल्लाने की, स्ट्रॉन्ग यानी तेज आवाज़, स्ट्रॉन्ग वॉइस का मतलब हुआ तेज आवाज़, स्ट्रॉन्ग यानी होता है तेज, वॉइस है ना आवाज़। सेड और उसने क्या कहा, उसने से कहा नॉट टू टेक ए वाटर, सॉरी यहाँ पर जो है टू है दोस्तों, यहाँ पर ए गलती से लग गया है तो उसको टू कर लें, तो नॉट टू टेक वाटर अनलेस ही वुड आंसर द क्वेश्चन, कोई भी पानी नहीं ले सकता जब तक कि मेरे सवालों का आंसर नहीं दे दे, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं का मतलब होता है अनलेस, अनलेस ही वुड आंसर, यानी जब तक कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे दे, उत्तर नहीं दे दे, है ना। आस्क, जो पूछा जाएगा, आस्क यानी होता है पूछना, बाय द वॉइस, उस आवाज के द्वारा जो भी पूछा जाएगा, जब तक कोई उत्तर नहीं देगा कोई भी पानी नहीं पी सकता, इफ द फेल्ड ही वुड डाई, यदि वह असफल हुआ तो मारा जाएगा। वुड यानी गागी के, डाई यानी मरना, फेल्ड यानी असफल होना। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिड नकुल पे हीट टू द वॉइस, क्या नकुल ने उस पर ध्यान दिया, उस आवाज़ पर, वॉइस यानी होगा आवाज़, पे हीट टू, तीनों ही शब्द का एक हिंदी मतलब होता है ध्यान देना, फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। तो क्या उसने ध्यान दिया था, क्या नहीं दिया था, ही डिडंट यानी नहीं दिया, नो यानी नहीं दिया उसने। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वर द क्वेश्चन पुट बाय यक्ष, वो यक्ष के द्वारा पूछे गए थे वो क्वेश्चन क्या है, और उनमें से चार आपको बताने हैं, है ना। पुट अप वाई यानी जो क्वेश्चन रखे गए थे, तीनों का मतलब वो होगा। मेंशन यानी उनका उल्लेख करना है, एट लीस्ट फोर, कम से कम चार का आपको बताना है। तो क्या क्या क्वेश्चन दिए थे वो अपन देखते हैं। यक्ष आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, यक्ष ने जो है निम्नलिखित प्रश्न पूछे, आस्क्ड यानी पूछना, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, क्वेश्चन यानी प्रश्न, यक्ष ने जो है निम्नलिखित प्रश्न पूछे। पहला क्या पूछा उसने, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, कि स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, विच यानी कौन सा, इज यानी है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, रोड यानी रास्ता, टू हेवन यानी जन्नत का या फिर स्वर्ग का, विच इज द बेस्ट वर्च्यू, और सबसे अच्छा सदगुण क्या है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वर्च्यू यानी सदगुण, विच यानी कौन सा, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द मैन, मैन का सबसे बड़ा मतलब सबसे खराब शत्रु क्या है। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब शत्रु यानी दुश्मन। ये दोस्तों ये सुपरलेटिव डिग्री में बने हुए, तो सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे ज्यादा, तो
सबसे ज्यादा बोस्ट यानी सबसे खराब, सबसे बेस्ट यानी बेस्ट यानी सबसे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे अच्छा या सबसे महान। हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे अच्छा महान, सबसे अच्छा व्यक्ति क्या कौन है या फिर सबसे महान व्यक्ति कौन है। ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, हु यानी कौन, इज यानी है, है ना, ऑफ ऑल। तो ये जो है उसने क्वेश्चन जो है पूछे थे किस किसने, यक्ष ने। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज, जो है सदगुण कौन से होते हैं, है ना। विच यानी कौन सा, इज यानी है बेस्ट यानी सबसे अच्छा, ऑफ ऑल वर्च्यूज यानी सब सदगुणों में। तो सबसे अच्छा गुण जो है किसी से नफरत ना करना, किसी से घृणा ना करना, वही सबसे अच्छा वर्च्यू है यानी वही सबसे अच्छा सदगुण है। बेस्ट यानी सबसे अच्छा वर्च्यू यानी सदगुण इज यानी टू हेट नन, किसी से नफरत ना करना, नन यानी किसी से नहीं या कोई से नहीं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, नकुल को जो है वापस लाने की कामना युधिष्ठिर ने क्यों की। विश यानी इच्छा करना है, फिर कामना करना, किसको वापस लेकर आना, नकुल को जो है वापस लेकर आने, वापस नकुल को जिंदा कर लेना, क्योंकि जो है नकुल मर गया था, वो पानी लेने गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको ही जो है युधिष्ठिर वापस क्यों लाना चाहता था। वाई यानी क्यों, डिड क्वेश्चन जो है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर, विश यानी कामना करना या फिर चाहना, है ना, नकुल की। युधिष्ठिर वांटेड टू रिटर्न एट होम विद वन सन ऑफ इच मदर, क्योंकि जो है युधिष्ठिर प्रत्येक माँ के एक एक बेटे को घर ले जाना चाहता था, है ना, खुशी के साथ, इसीलिए जो है वो नकुल की कामना कर रहा था, उसको बचाने की उसने जो है कामना की। युधिष्ठिर वांटेड, युधिष्ठिर चाहता था, वांट यानी चाहना, टू रिटर्न इन होम, घर पर ले जाना, है ना, एट यानी पर, होम यानी घर, विद वन सन, एक पुत्र के साथ, है ना, इच यानी प्रत्येक, मदर यानी माओ के, टू ब्रिंग लेकर जाना, जॉय टू हर और उनके लिए खुशियाँ लेकर जाना, है ना, कि प्रत्येक प्रत्येक माता का एक बेटा जो है वो घर ले जाना चाहता था, इसलिए जो युधिष्ठिर ने सोचा नकुल को जिंदा करने का। हाउ डिड द फोर ब्रदर्स राइज टू देयर फॉर्म सेल्व्स, सेल्व यानी अपने आप ही या खुद ही, फॉर्मर यानी पहले पहले की तरह या भूतपूर्व, है ना, फॉर्मर का मतलब होता है पहले की तरह या भूतपूर्व, है ना, मतलब पहले की तरह भूतपूर्व। तो वो जो है जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो चारों भाइयों की, तो पहले की तरह ही अपने आप जिंदा कैसे हो गए, कैसे उठ गए, राइज यानी उठ जाना है फिर जिंदा हो जाना, है ना, तो कैसे अपने वापस रूप में आ गए थे, भूतपूर्व अवस्था में पहले आ गए थे, जैसे वो जो है मृत्यु के पहले थे। यक्ष स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ फोर ब्रदर्स एंड दे केम बैक टू लाइफ, उस यक्ष ने क्या करा, उसने जो है कुछ पानी की बूंदें छिड़की और जिससे वो मरे हुए जो चार थे वो वापस से जिंदा हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई थी वापस अपनी जिंदगी में वापस आ गए। यक्ष यानी यक्ष ने, स्प्रिंग यानी छिड़का, सम यानी कुछ, ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदे, ऑफ यानी के, वाटर यानी पानी, ऑन द डेड यानी मृत्यु शरीर पर, बॉडीज यानी शरीर, ऑफ फोर ब्रदर्स चारों भाइयों के, एंड दे कम बैक और वो वापस आ गए बैक टू लाइफ उनके जीवन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से जो है आपको क्या समझ में आता है, इस स्टोरी से आप क्या सीख लेते हैं।